गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अलीगढ़ कोचिंग सेंटर। आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे, बेसिकली मैं टॉपिक को कवर नहीं करूंगा, मैं आपको ये 12th कॉमर्स, जिसको हम PUC का नाम देते हैं कई जगह, प्लस टू लेवल का नाम दे देते हैं, 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी का क्या क्या सिलेबस कवर्ड होता है, सिर्फ उसकी मैं आपको बात करना चाहूंगा। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि आपको पूरे 12th कॉमर्स में आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक चीज मैं आपको पहले से आप बताना चाहूंगा, जब हम बिजनेस पढ़ते थे तो वहां पे हम पढ़ते थे तीन टाइप्स के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब तीन टाइप्स के बेसिकली बिजनेस होते हैं, तो हमें तीन टाइप्स के बिजनेस की अकाउंटिंग भी होती है। हमने पूरी 11th में क्या पढ़ा, अकाउंटिंग रिलेटेड टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वो बिजनेस जिसका सिंगल ओनर है, सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, हमने वो 11th में पढ़ी। अब बात आती है 12th की, तो 12th हमें किस चीज का ओवरव्यू देता है, अकाउंटिंग रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग रिलेटेड टू दी कंपनी। ठीक है, हमारा जो 12th का जो एंटायर सिलेबस होता है, तीन मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड करा होता है। हाउ मेनी मॉड्यूल्स गाइस, थ्री मॉड्यूल्स पर गाइस डिवाइड होता है। फर्स्ट मॉड्यूल रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, पार्टनर का एडमिशन, पार्टनर का रिटायरमेंट, पार्टनर की डेथ, फर्म का बंद होना, फर्म का स्टार्ट होना, और ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स है तो उनके बेस प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स, हर पार्टनर की अपने गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, तो पार्टनर से गुडविल, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन, नेचर, ये सारी चीजें हम फर्स्ट मॉड्यूल में कवर करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल, नेचर, वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड द डिसोल्यूशन। हमारा गाइस जो सेकंड मॉड्यूल कवर करता है, वो सेकंड मॉड्यूल रिलेटेड टू दी कंपनीज अकाउंट, कंपनीज के अकाउंट्स क्या होते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर सी बता दूं कि जो हमने बेसिक रूल्स पढ़ते थे 11th में डेबिट एंड क्रेडिट के, वही रूल्स आपके 11th पे होते हैं, वही 12th में, वही ग्रेजुएशन पे होते हैं। फर्क हो जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्क आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में फर्क आ जाता है कि हम किस, जैसे अकाउंट्स भी कोई एक तरीके के नहीं होते, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कई कई कंपनी के ब्रांचेज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उनके अकाउंट कैसे हैंडल होते हैं, होस्ट कंपनीज होती हैं, होम कंपनीज होती हैं, कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो हम उसको बस एक डीप में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक रूल्स आपके सेम ही रहते हैं। तो हमारे कंपनी में गाइस क्या चीज ऐड हो जाती है, शेयर्स। कंपनी को पैसा रेस करना है तो कैसे रेस करेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस थिंग, द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इज शेयर्स। कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करती है। पार्टनरशिप में क्या होता था, दो तीन पार्टनर्स होते थे, मिलकर अपने कैपिटल लगा देते थे। कंपनी में क्या है, कंपनी में कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है वो एक अकेले बंदे के बस की नहीं होता, या फिर एक अकेला बंदा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता ड्यू टू रिस्क ओवरव्यू, तो इसलिए उस कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको कई सारे लोग मिलकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल आर दी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, शेयर्स को हम स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है ना, तो शेयर्स परचेस कर लेते हैं तो शेयर्स कैसे इशू करेंगे, अगर कोई बंदा शेयर का पैसा नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स को फॉरफिट मीन्स जब्त कैसे करेंगे, फॉरफिटर मीन्स आपका होता है जब्त। ठीक है, शेयर्स को जब्त करना। डिबेंचर्स कैसे इशू करेंगे, बेसिकली डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन। कंपनी चाहती है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है लेकिन कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहती, बिकॉज शेयर इशू करने से कंपनी के ओनर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओनर्स बढ़ने से ओनर्स में अमंग ओनर्स से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, अपना शेयर होल्डर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो कंपनी शेयर ना इशू करके क्या चाहती है कि हमें क्या इशू करें, डिबेंचर इशू करें। ठीक है, तो डिबेंचर क्या होता है, बेसिकली कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, कैसी लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, विच इज मोर देन अ पीरियड ऑफ वन ईयर। ठीक है ना, तो डिबेंचर्स कैसे इशू करेंगे, अब डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आप एक सब जानते हैं कि एक-एक टाइम होता है लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का, तो डिबेंचर को हम रिडीम कैसे करेंगे, ये गाइस हमारा कंपनी के शेयर्स, उसके फॉरफीचर, उसका रीइशू, डिबेंचर, बिकॉज मेनली दो चीज कंपनी में नहीं पढ़ते हैं, वो होते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, ये हमारे कौन से मॉड्यूल में कवर्ड होता है गाइस, सेकंड मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल जो हमारा 12th का होता है, वो हमारा किस चीज का हमें ओवरव्यू देता है, कंपनी का एनालिसिस। भाई हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं कि उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो यूज बेसिकली हमें यहाँ बताता है। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होती हैं, मोस्ट फन थिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेसिकली दो ही होते हैं, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरी मेन चीज। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी का जो ऑपरेशंस होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का जो आपका
ऑपरेशंस होता है वो उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कंपनी। तो पार्टनरशिप ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप अगर अपनी कैश का अपने चेंजेस देखना चाहें तो वो कैश अकाउंट प्रिपेयर करके कर सकती हैं। बट बेसिकली अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी को एक सेपरेट स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देनी होती है रिलेटेड टू ऑल द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ द कैश। फर्म में कैश का, कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ तो कहाँ से हुआ, किस वजह से हुआ, और आउटफ्लो हुआ तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पहला चैप्टर बताता है। सेकंड आता है गाइस हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हमारी किस चीज में हेल्प करता है, कंपेयर करने में। भाई मुझे अपने स्टेटमेंट्स किसी दूसरी कंपनी के साथ, अपने रावल कंपनी के साथ कंपेयर करने की, हमारे उसके स्टेटमेंट में कहां फर्क है, कितना चेंज है, क्या डिफरेंस क्या है, हम उस डिफरेंस को कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाता है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली हमारी कंपनी के कई फैक्टर्स के लिए वर्क करती है, जैसे कि कई रेशियोज निकालने के लिए। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेल्स का कितना पार्ट है, तो वो कॉमन साइज बताएगा, ठीक है ना। कॉमन साइज बेसिकली जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स के रिलेटेड में जितने अदर आइटम्स होते हैं प्रॉफिट लॉस के वो बताती है। ये सब हम डीप में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि होता क्या है। थर्ड आता है हमारा रेशियो एनालिसिस। हम रेशियो कैसे एनालिसिस करते हैं, आप सब पढ़ते हो, सबको ध्यान होगा, रेशियो कैलकुलेट करते थे 9, 10, 6, 7 मैथमेटिक्स में, कि एक न्यूमरेटर होता था डिनोमिनेटर। रेशियो मींस समथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो पी क्यू के कितने टाइम्स है, कितना, अगर रेशियो को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो रेशियो एनालिसिस का जो काम होता है वो किसका क्या होता है, कि हमारी जो कंपनी के डिफरेंट आइटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करना, जो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे, हमारी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताएंगे, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हमारी कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में बताएंगे। तो ये सारा पार्ट का कवर होता है ना रेशियो एनालिसिस। और फोर्थ, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का ऑपरेशंस ऑफ स्केल, सिंस इट इज ऑल वेरी लार्ज ऑपरेशंस, सो इट मस्ट बी ऑल द कैश इनफ्लोज एंड ऑल द कैश आउटफ्लोज मस्ट बी शोन इन द सेपरेट स्टेटमेंट व्हिच इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फर्म के स्मॉल होते हैं वो कैश अकाउंट एक लेजर अकाउंट में कवर हो जाते हैं, बट कंपनी के लिए दिन में नंबर का इतने सारे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो हर ट्रांजेक्शन को हम शो नहीं कर सकते, तो उनकी समराइज फॉर्म बनाई जाती है रिलेटेड लिक्विडिटी, वो हमारा क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो मैंने आपको थर्ड मॉड्यूल का ओवरव्यू दिया, सेकंड का दिया, अब मैं आपको फर्स्ट का मॉड्यूल का ओवरव्यू से देता हूं। सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पार्टनर्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट में वेरियस आइटम्स क्या होते हैं, चार्जेस एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। भाई सोल प्रोप्रेटरशिप में तो क्या होता था, अकेला ओनर होता था, जितना प्रॉफिट होता था उसका होता था, जितना लॉस होता था उसका होता था, बट यहां पे एक नहीं होता, पार्टनरशिप मींस टू और मोर देन टू, या टू प्लस कह सकते हैं, टू और मोर देन टू, ठीक है। तो सबको प्रॉफिट, अगर लॉस है तो कैसे डिवाइड करना है, प्रॉफिट है कैसे डिवाइड करना है, तो सारी एप्रोप्रिएशन हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स बताएगा, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे आइटम्स हैं। दूसरा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। फर्म की अपनी गुडविल होती है, पार्टनर्स की अपनी गुडविल होती है, तो उस गुडविल का हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है, गुडविल का नेचर क्या होता है, उसके बाद हमारा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन सेकंड चैप्टर करता है। थर्ड आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। पार्टनर्स अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब देखो पीएसआर को रिजिड तो रह नहीं सकता, दो पार्टनर्स थे पहले, फोर मान लो किसी रेशियो में शेयर कर रहे थे कि हम 4:3 में शेयर करेंगे, अब पार्टनर ने कहा कि हम इक्वली शेयर करना चाहते हैं, ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्यू टू देयर पर्सनल मीटिंग्स कह सकते हैं, उनके अपने इश्यूज हैं जिस वजह से भी, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो उस वजह से फर्म के अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा चेंज इन पीएसआर में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा एडमिशन। अब पार्टनरशिप में मान लो फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स थे, तो ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर तीन ही रहेंगे, आ भी सकता है जा भी सकता है, ठीक है। तो अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तीन से ये पार्टनर बन के चार हो रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट कैसे होगा, पार्टनरशिप के एडमिशन का क्या प्रोविजंस होते हैं, उनको हम ट्रीट कैसे करते हैं, पार्टनरशिप नया पार्टनर आएगा तो वो भी फर्म की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितने कैपिटल लेके आनी, ये सारे जो आइटम्स होते हैं सब किस में कवर्ड है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर का फर्म में एडमिशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ डेथ। जबकि हमने एडमिशन की बात करेगा, पार्टनर आ भी सकता है तो जा भी सकता है, इट्स ऑब्वियस वेरी, ठीक है ना। सो अगर रिटायरमेंट है पार्टनर का फर्म से तो क्या प्रोविजंस होंगे, भाई जब पार्टनर फर्म से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने कैपिटल लेके जाएगा। अब वो फर्म से जा रहा है तो इतने साल उसने जो फर्म को कॉन्ट्रीब्यूट करा, फर्म की जो रेपुटेशन रेस करी, फर्म की जो गुडविल में उसका पार्ट है वो भी लेके जाएगा, जितना भी उसका हक है फर्म पे वो सारा, जितना भी हमारा ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ कवर होता है, रिटायरमेंट में। और रिटायरमेंट की तरह ही सेम हमारा क्या होता है गाइस, डेथ होता है, कि अगर पार्टनर
ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए, जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब में होता है पार्टनर, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी में डेथ हो गई, ठीक है ना, तो इसी तरह का पार्टनर की फॉर्म में ऑन ड्यूटी पे डेथ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट, अगर रिटायर होने के बाद डेथ हो रही है तो उसका फॉर्म से कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो फॉर्म का पार्ट नहीं रहा, लेकिन अगर ऑन ड्यूटी डेथ हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ अपना प्रोविजन होता है, तो वो सारे प्रोविजन क्या होते हैं वो हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में। और सबसे लास्ट हमने यहाँ पे देखो फॉर्म का स्टार्टिंग भी पढ़ ली, फॉर्म का चेंज ऑफ प्रोफेशन भी पढ़ा, गुडविल का नेचर वैल्यूएशन भी पढ़ा, पार्टनर का एडमिशन भी पढ़ा, पार्टनर का रिटायरमेंट भी पढ़ा। अब एक ही चीज लगा क्या, पार्टनरशिप डिसॉल्व मतलब शट डाउन हो जाना। अगर पार्टनरशिप फर्म शट डाउन हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कि एसेट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है जब फर्म खत्म हो गई तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब ही नहीं बनता, एसेट्स को बेच के पैसा लेंगे, उन पैसे से हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास पैसा बच रहा है तो हम उससे पैसे से किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को पे करेंगे। रियलाइजेशन पे भी फर्म बंद हो रही है तो फर्म बंद होने पर लॉस भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात जरूरी नहीं है लॉस ही हो, कहीं कहीं प्रॉफिट भी हो सकता है, पार्टनर्स अपनी इच्छा से फॉर्म बंद करें तो प्रॉफिटेबल यूनिट है, लेकिन पार्टनर्स क्या अमंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो नई फॉर्म को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो बंद करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म लॉस के केस में शट डाउन होगी, प्रॉफिट के केसेस में भी शट डाउन हो सकती है। बट मोस्ट जो केसेस होते हैं ऑब्वियसली बात है जो कोई फर्म जब प्रॉफिटेबल यूनिट है, प्रॉफिट जनरेट करके देखे तो कोई भी पार्टनर ओनर नहीं चाहेगा फर्म को बंद करें, ठीक है। तो अगर मेन चीज मोस्टली केसेस में जो होता है वो लॉस के केस में होता है, बट कई कई केस में प्रॉफिट के केसेस में भी हो जाता है, तो वो सारी चीज जो फर्म डिसोल्यूशन से रिलेटेड होगी, फर्म की शट डाउन से रिलेटेड होगी, हम क्या पढ़ेंगे डिसोल्यूशन में। तो बेसिकली ये पूरा हमारा जो टॉपिक है जो 12th कॉमर्स में, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक हमें पूरा पढ़ना है।